सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। प्रत्याशी घोषित होते ही जिले में चुनावी हलचल शुरू। भिलाई नगर के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी इस बार मैदान में नया चेहरा उतार कर मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे से सीधा मुकाबला किया जाएगा। भिलाई नगर के महापौर देवेंद्र यादव इस बार नया चेहरा कांग्रेस पार्टी ने उतारा। पार्टी ने देवेंद्र यादव को मैदान में उतार कर जनता की उम्मीदों व विश्वास पर खरा उतरने को कहा। सर, आपको कैसा लग रहा है कि आप विधायक बने, मतलब प्रत्याशी हैं? तो प्रत्याशी की एक जिम्मेदारी है। पहले कांग्रेस पार्टी ने भिलाई नगर निगम क्षेत्र की जिम्मेदारी थी और भिलाई की जनता की उम्मीदें अपेक्षाओं को खरा उतरने का अवसर दिया और 2.5 साल से लगातार भिलाई की जनता के साथ काम करने के बाद आज उन्होंने और जिम्मेदारी दे दी। निश्चित रूप से ये एक अवसर है जब मैं हम सब मिलकर अपने शहर की समस्याओं, शहर में जनता की तकलीफों को नगर निगम से लेकर विधानसभा स्तर तक उठाकर उनका समाधान किया। तो सर, आपकी मानी जाके पार्टी आती तो आप क्या क्या कार्य करेंगे, किन किन उद्देश्यों को लेकर अभी आप उतर रहे हैं? पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस के प्रति वातावरण है। 2003 से लेकर 2018 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुजार ली है और इन 15 सालों में जो हालात हैं किसी से छुपे नहीं हैं। जिस तरीके से आज बेरोजगारी चरम पर है, जिस तरीके से महंगाई चरम पर है, जिस तरीके से किसानों को डूबा जा रहा है, निश्चित रूप से इस बार 2018 में जो कांग्रेस की सरकार आएगी वो ऐसा अनुकूल वातावरण लोगों के लिए बनाएगी जहाँ पर उनको शिक्षा से लेकर, रोजगार से लेकर, व्यवसाय से लेकर किसानों को उनके कार्यों से लेकर सभी चीज़ों में उनको सहयोग मिलेगा और एक बेहतर छत्तीसगढ़, नया छत्तीसगढ़ बनाने का काम इस पर कांग्रेस पार्टी।